अगर आप लोग इस वीडियो में बताए गए तरीकेकार के अकॉर्डिंग अपने नए चैनल का नाम रख लेते हैं तो यकीन जानिए नाजरीन, मैं आप लोगों को स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों का चैनल सर्च में भी आएगा। आप लोग कोई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर, वो टॉप पर आएगी, आप लोगों का चैनल रैंकिंग में इंशाल्लाह आना शुरू कर देगा। आप लोग अपने नए चैनल का नाम कैसे रखेंगे, क्या तरीकेकार है, चलिए आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बता देते हैं। महाना 3500 रुपए तनख्वाह लेने वाला स्कूल टीचर यूट्यूब से रोजाना 35,000 कमाने लगा। आइए यूट्यूब से पैसा कमाने के गुर जानते हैं इन्हीं से, और वो भी मुफ्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर नासिर अरफात नासिर और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर नासिर अरफात ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपना नया चैनल अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोग अपना जो चैनल का नाम है वो कैसे रखें, कैसे सिलेक्शन करें अपने चैनल के नाम की कि आप लोगों का चैनल जो है वो ट्रेंडिंग में आना शुरू हो जाए। 24 घंटों में आप अपने चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें तो वो सर्च में आना शुरू हो जाए। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो तीन चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है। नंबर वन, तो आप लोगों ने सबसे पहले टॉपिक अपना सेलेक्ट करना है कि आप अपना जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं वो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, टाइम लगा के अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। आप लोगों का टॉपिक वो होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जिसमें आप लोगों का नॉलेज ज़्यादा हो, जिसमें आप लोग कम अज़ कम को 50-100 वीडियोज़ बना सकते हों, तो वो टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट कैसे करना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। मैंने तकरीबन 30 ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जिन पर आप लोग चैनल क्रिएट करके अपना यूट्यूब में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। इन तीन टॉपिक्स पर मुश्तमिल वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, या आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाएं वहां से भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये 30 टॉपिक आप लोग लाजमी देखें, बहुत ही आउट क्लास ये 30 टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद नाजरीन, जब आप लोग कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है नाम का। आप लोगों ने अपने चैनल का कोई यूनिक नाम रखना होता है। देखें, आप लोग अपने चैनल का यूनिक नाम रखने के लिए अगर एक हफ्ता भी लगा देंगे तो पूरी जिंदगी के लिए आप लोगों को यह चैनल फायदा देना शुरू कर देगा। क्यों देगा, देखें, चैनल का नाम जब आप लोगों का यूनिक होगा और ऐसा नाम होगा जो यूट्यूब पे पहले है ही नहीं किसी का, तो यकीनन आप लोगों का चैनल जो है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। और आप लोग 24 घंटों के अंदर अंदर अपने चैनल को अगर सर्च करेंगे तो वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा और रैंकिंग में भी आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट करना है अपना। टॉपिक के बाद आप लोगों का जिस तरह का टॉपिक है उस तरह का आप लोगों ने नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाम इतना ही रखना मुश्किल होता है जैसे एक बच्चे का नाम रखने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह ही आप लोगों ने अपने चैनल का नाम रखने के लिए मेहनत करनी है। एक हफ्ता भी आप लोग अगर खप कर अच्छा नाम रख लेंगे तो यकीनन पूरी जिंदगी आप लोगों का नाम ही आप लोगों की पहचान हो जाएगा, ठीक है। नाम कैसे रखना है ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो में, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो है चैनल क्रिएट करने का। सबसे पहले टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने नाम भी अपना चूज कर लिया। तीसरा पॉइंट होता है चैनल क्रिएट करने का। अब चैनल आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है, क्या तरीकेकार है, इस पर भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अब देखें, आप लोगों को पता नहीं चलता कि चैनल सब्सक्राइब कैसे करना है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही ये प्रोफेसर नासिर अरफात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन होता है। अभी आप लोगों को बताता हूँ सब्सक्रिप्शन का बटन कौन सा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों के सामने प्रोफेसर नासिर अरफात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओपन हुआ होगा, आप लोग देख रहे होंगे नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा रेड कलर का, इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। एक बार जब प्रेस करेंगे तो ये रेड कलर खत्म हो जाएगा, 7 घंटे का साइन है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है ना, ये ब्लैक सा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब ओरिजिनल तरीके आप लोगों का चैनल प्रोफेसर नासिर अरफात ऑफिशियल सब्सक्राइब हो चुका है, आप मेरे फॉलोवर बन चुके हैं, अब आइंदा हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी बरवक्त, ठीक है। अब यहां से अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करना। तो चलिए नाजरीन, हम लोग बकायदा आप लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों ने अपने चैनल का नाम कैसे रखना है, जो कि सबसे मुश्किल मरहला होता है। आप लोगों ने जब भी अपने चैनल का नाम सेलेक्ट करना है तो उससे पहले आप लोगों ने तकरीबन कोई 8-10 नाम सेलेक्ट कर लेने हैं, मतलब लिख लेने हैं पेज पर। लिखने के बाद आप लोगों ने वन बाई वन उनको चेक करना है, ठीक है। अब चेक करने का क्या तरीकेकार है, आप लोगों ने यूट्यूब का सर्च बार ओपन करना है। यूट्यूब का सर्च बार ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने जो नाम मतलब आप लोगों ने रखे हुए लिखे हुए पेज पर वन बाय वन यहां पर आप लोगों ने लिखते जाना है। एक चैनल का नाम मैंने सर्च किया था दूर अंदेश, अब इसको मैं क्लिक करता हूं, चेक करता हूं कि ये चैनल पहले मौजूद है या नहीं है। तो ये देखें, एक दूर अंदेश चैनल मौजूद है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर आप लोगों ने क्लिक करना है।
थ्री डोर पर क्लिक करने के बाद आगे ऑप्शन आ जाएंगे फिल्टर और हेल्प और फीडबैक वाला। आप लोगों ने जो पहला ऑप्शन है फिल्टर वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये जो दूसरा ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा ऑल वाला, ऑल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। इसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है चैनल वाला, चैनल पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नीचे अप्लाई वाला आप लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे इस तरह के जो पहले चैनल दूर अंदेश के रिलेटेड बने हुए हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अब ये एक दूर अंदेश बना हुआ चैनल, इसके बाद है दूर अंदेश टीवी, मतलब सिर्फ दो चैनल दूर अंदेश के रिलेटेड बने हुए हैं। उसके बाद देखें नो मोर रिजल्ट्स, मतलब तकरीबन दो चैनल बने हैं। अगर आप लोग भी ये चैनल बना लेंगे तो आप लोगों का चैनल सर्च में आना शुरू हो जाएगा। बाज़ुकात ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में चैनल बने होते हैं, तो आप लोग भी अगर उस टॉपिक पर चैनल बना लेंगे तो आप लोगों का चैनल तो कम अज़ कम 6 महीने तो वो सर्च में नहीं आएगा, ठीक है। तो सर्च में लाने के लिए ये चीज़ आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है। अब यहाँ पर देखें आप लोग इसके सब्सक्राइबर कितने हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, तो दूर अंदेश चैनल का नाम भी मेरे ख्याल में बेहतर है अगर आप लोग रखेंगे तो। 10 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग अपने चैनल का नाम रख लेते हैं तो आप लोगों के सब्सक्राइबर अगर बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों का चैनल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियोज़ भी आप लोगों की ज़्यादा होगी तो फिर भी आप लोगों का चैनल मतलब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम एक और चैनल चेक कर लेते हैं अपने पास से, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि देसी टोटके, ठीक है, देसी टोटके हम लोग लिखते हैं और सर्च करते हैं कि ये चैनल है या नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने देखते हैं कि कितने चैनल्स आते हैं और इस तरह की वीडियोस भी आती हैं या नहीं आती। अब सर्च बार में हम लोग दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फ़िल्टर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑल वाला जो इस पे एरो है इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, इसके बाद चैनल वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों ने कर देना है अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो जनाब आप लोगों के सामने ये देसी टोटके के रिलेटेड कितने चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ये देसी टोटके, हर बंदे ने देसी टोटके पर चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। अभी सर्चिंग थोड़ी सी हो रही है, ये देख लें कितने चैनल्स हैं, देसी टोटके। अब ये हज़ारों की तादाद में चैनल्स बने हुए हैं। अगर आप लोग इसी देसी टोटके के नाम से चैनल बना लेंगे आप लोगों का चैनल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का चैनल नया है तो आप लोगों का चैनल मिलेगा ही नहीं, आप लोगों का चैनल नीचे कहीं चला जाएगा। तो तकरीबन 6-7 माह बाद आप लोगों का चैनल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोग सोचेंगे पता नहीं चैनल मेरा गायब हो गया, इधर उधर लोगों को कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे मेरा चैनल मिल नहीं रहा। तो असल में यही रीज़न है। इसी के रिलेटेड आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। हम लोग एक चैनल का नाम रखते हैं अनोखे जुगाड़। अब अनोखे जुगाड़ जैसे ही चैनल का नाम रखा हम लोगों ने इसको सर्च किया, अब देखते हैं इसके रिलेटेड कितने चैनल्स आते हैं। अब फिल्टर पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑल पर क्लिक करते हैं, इसके बाद चैनल पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट अप्लाई पर क्लिक करेंगे या अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम देखते हैं कोई चैनल आता है या नहीं आता। जनाब ये दूरबीन आ गई है, नो रिज़ल्ट फाउंड। इस तरह का चैनल का नाम आप लोग अगर रखेंगे तो मैं स्टाम्प पेपर पर नाज़रीन आप लोगों को लिख कर दूंगा कि 24 घंटों में आप लोगों का चैनल सर्च में आएगा। इसकी मैं आप लोगों को 100% नहीं 1,00,000% गारंटी दूंगा। आप लोग जब इस तरह का कोई नाम रखेंगे अनोखा सा और आगे ये दूरबीन इस तरह की आ जाए और फिर आप लोग देखिएगा आप लोगों का चैनल लाजमी सर्च में आएगा, आप लोगों की वीडियोस भी सर्च में आना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों की वीडियो जो है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगी, चैनल भी रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन ये ट्रिक्स थी आप लोगों के चैनल को रैंकिंग में लाने के लिए, टॉप पर लाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और ये भी आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब की किसी भी हिस्ट्री में इस तरह की वीडियो आप लोगों को नहीं मिली होगी। तो ये टॉपिक आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी है, टॉपिक वाली वीडियो भी आप लोगों को मिल गई होगी, इसके बाद नाम वाली वीडियो आप लोगों को आज मैंने बता दी है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह चैनल कैसे क्रिएट करना है इस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक नए यूट्यूबर्स के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।